हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आप हमें आशा है कि आप पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अलग अलग हम एक एक की परिभाषा बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यून कोण की परिभाषा पढ़ेंगे। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तो न्यून कोण त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज भी कह सकते हैं। इसे हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहें या न्यून कोण त्रिभुज कहें। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं वह न्यून कोणीय त्रिभुज है, या उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके लिए अगर इसको एग्जांपल से देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने एक त्रिभुज इस तरह से ले लिया है, देख रहे हैं त्रिभुज ए बी और सी, इस त्रिभुज को देख रहे हैं कोण ए पर 70 अंश लिखा गया है, कोण बी पर देखिए 60 अंश लिखा गया है और कोण सी पर 50 अंश लिखा है। तो जो सब न्यून कोण है, तो इस तरह से कोण ए बराबर कितना हो गया 70 अंश और कोण बी हो गया 60 अंश और कोण सी हो गया 50 अंश। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए 180 अंश है कि नहीं? देखिए ये 70 अंश, ये 60 अंश और ये 50 अंश जोड़ दिया गया तो आ गया 180 अंश। तो इस तरह से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। लेकिन अगर त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है, न्यून कोण अर्थात ये 90 अंश से कम है, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। इसे हम न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। इसी तरह से हम समकोण त्रिभुज को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम समकोण त्रिभुज की परिभाषा पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, आप चलिए अब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज इसको किसको कहेंगे? जिसका एक कोण समकोण होगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण का अर्थ है कि 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश या एक समकोण का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे कोणों को जैसे देख रहे हैं, अगर समकोण है तो हम ऐसे त्रिभुज को समकोणीय त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज इसका अर्थ हुआ कि उस त्रिभुज में अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण 90 अंश का होगा, एक कोण 90 अंश का होगा तो वह त्रिभुज समकोण होगा, और एक ही कोण 90 अंश का होगा इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होगा। तो जब एक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो दोनों अन्य कोणों का योग 190 अंश होगा। तो इस तरह से देखिए
अगर हम मान लेते हैं कुछ इसका नाम रख देते हैं, पी लिख लेते हैं, इसको क्यू लिख देते हैं, इसको आर लिख देते हैं, तो देखिए कोण पी कितना है, कोण पी बराबर 60 इंच, और कोण क्यू यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है लेकिन देख रहे हैं इस तरह से बना है, जिसका अर्थ है कि 90 डिग्री क्या है, यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे, और देखिए कोण आर 30 डिग्री क्या है, तो इस तरह से इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, इनके कोणों का योग 180 इंच होना चाहिए। तो आप इन कोणों कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए कोणों को लिखते हैं, जैसे कोण पी क्यू आर, तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री, और कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू ये बराबर हो गया 30 डिग्री। इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग हमेशा 180 इंच आना चाहिए। देख रहे हैं 6 3 9 माने 90 हो गया, 90 हो गया, 90 90 180 हो गया। आशा करते हैं ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज उसको कहेंगे जिसका ये कोण अधिक कोण होगा, तो उसे हम कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में चलिए, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं, इसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहिए या इसे आप अधिक कोण त्रिभुज कहें, दोनों एक ही मतलब है। तो इस तरह से तो अधिक कोण त्रिभुज परिभाषा क्या हो गई, एक बार आप फिर देख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं या इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम मान लें कि कोई एक फिगर ले लें, कोई एक त्रिभुज ले लें, तो उस त्रिभुज से आप समझ सकते हैं। चलिए हमने एक त्रिभुज इस तरह से बना लिया है, और इस त्रिभुज के को हम नाम दे देते हैं, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ देखिए कोण ए का मान कितना है, यहाँ कोण ए का मान है 30 इंच, और कोण बी का मान देखिए, कोण बी दिया है 130 इंच, और कोण सी दिया है 20 इंच। तो इस तरह से इन कोणों में एक कोण देख रहे हैं अधिक कोण है, तो इसलिए यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो और इन तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, इन तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे तो 180 इंच आएगा। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग हमेशा 180 इंच ही होगा। तो इस तरह से देखिए इसमें अधिक कोण हो गया, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज आप देख लिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर आप लिख देंगे इसको 130 इंच। हमेशा आपको ध्यान देना है जिस कोण को आपको डिनोट करना है, जिस कोण को आपको दिखाना है, उसका वह अक्षर बीच में होना चाहिए। देख रहे हैं ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, बी हमें बी कोण दिखाना है, तो हमने लिख दिया कि ए बी सी बराबर 130 इंच। अगर आपको कोण ए दिखाना है तो लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे कोण बी ए सी, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कोण सी ए बी, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंच। इसी तरह से कोण सी को दिखाने के लिए आप लिख सकते हैं इसको कोण ए सी बी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कोण बी सी ए, ये बराबर कितने का हो जाएगा, ये 20 इंच का हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें
हमें कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।